देखो हमें इस प्रकार की अगर शेप दी हुई है और उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो कैसे काउंट करते हैं उनका एक सिंपल फार्मूला मैं बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके। और अब देखते हैं इस शेप में नंबर ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला है, याद रख लेना, टू एन स्क्वायर माइनस का 5, वेयर एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है, बेस, नंबर ऑफ बेस, ओके। बेस का मतलब होता है आधार, ओके। तो नंबर ऑफ बेस को दर्शाता है क्या, एन। तो बेस कौन कौन है, एक तो ये है, देखो एक ये है दो और एक ये है तीन है, ये तीन बेस हैं। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूले में अपने, टू एन का 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस का 5, ओके। तो ये कितना आ गया, 2 9 माइनस 5 4 इक्वल हैं 2, 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 4 5 4 8, सॉरी, हम फॉर्मूला सही नहीं लगा रहे, 2n स्क्वायर, हाँ ऐसे है, 2n स्क्वायर माइनस का 5, अब आ जाएगा 9 into 18 माइनस का 5 into 13 हो गया, ठीक है। तो 13 ट्रायंगल है, ओके। अभी कैसे हैं एक बार उसकी ओर बात कर लेते हैं, वैसे अगर ये तो सिंपल बेसिक शेप दिया हुआ उसमें हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, तो एक बार 13 गिनते हैं कि कैसे आया, ठीक है। उस एक मिनट यहाँ पर दूसरे पेज में देख लेते हैं 13 कैसे आया। तो एक मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है, ओके। इसमें हम शेप गिनते हैं, अपना ऐसा था, एक बेस ये था, एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो इसमें काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो हमें वैसे दिख रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा दिख रहा है, कौन सा, वो मैं अभी दिखा देता हूँ, मैं ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये तो 10 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं और की, एक देखो आपको ये दिखा होगा, कौन सा, एक ये, एक मिनट, हाँ ये 10 तो हम वैसे बता दिया था हमें, ठीक है। एक आपको ये दिखा होगा 11, एक ऐसे ही इसमें दिखा होगा, कौन सा, ये देखो, ये एक 12, ठीक है। और एक ऐसे ही इसमें एक और दिखा होगा आपको, कौन सा, कलर कौन सा, रेड ले लेता हूँ मैं, एक ये दिखा होगा आपको 13। तो 13 ही आए थे अपने पास 2n स्क्वायर माइनस का 5 से, ठीक है। एन यहाँ पर क्या है, बेस को दर्शाता है, बेस कौन कौन सा, एक ये बेस है, एक ये है, एक ये है,